इस एनिमी के एपिसोड 6 के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि ईटा एंड स्काई एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ घर बैठी कार्सुरा ईटा को कॉल करती है। अब क्योंकि ईटा स्काई के साथ बिजी होता है तो वो कार्सुरा की कॉल नहीं उठाता, जिस पर कार्सुरा कहती है आई वंडर इफ ही स्लीपिंग। इसके बाद दिखाया जाता है कार्सुरा अपने बैग में एक बोतल रखती है जिसको देख के कुकुरू बोलती है दैट्स नाइस हॉट लेमन नोट। देन कार्सुरा कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको सिखाऊं कि ये कैसे बनता है। आगे से कुकुरू कहती है मुझे इसलिए वो लड़कियां पसंद नहीं है जिनका बॉयफ्रेंड होता है। ये सुनकर कार्सुरा रिप्लाई देती है अगर तुमको ये बात इतनी ही अनोइंग लग रही है तो तुम जाओ और अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना लो। नेक्स्ट मॉर्निंग ईटा के घर पर स्काई होती है और जब वो दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकलते हैं तभी ईटा मौका मिलते ही स्काई को किस कर लेता है, जिस पर स्काई कहती है मैं तुमको बता रही हूँ ये बहुत बुरा होगा अगर कोई हमें इस तरह देख ले। आगे से ईटा एक्सक्यूज करता है नहीं अभी हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है एंड इसको हक करते हुए एक बार फिर किस करने की कोशिश करता है, जिस पर स्काई इसको रोकते हुए कहती है मुझे पूरा यकीन है कि कार्सुरा तुम्हारा वेट कर रही होगी। एंड देन ये दोनों कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं जब तक इधर बस नहीं आ जाती। दूसरी तरफ जब कार्सुरा ट्रेन पर सवार होती है तो इधर इसके साथ ईटा भी मौजूद होता है जो कि उस टाइम स्काई के कहने पर इधर कार्सुरा के पास आया था। नाउ ट्रेन पर मौजूद कार्सुरा ईटा के साथ कंजर्वेशन करने की कोशिश करती है इवन के वो बहुत सी बातें भी करती है पर ईटा कार्सुरा की किसी भी बात पर लिटरली थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता और जब कार्सुरा को इस बात की रियलाइजेशन होती है तो वो भी चुपचाप इसके साथ खड़ी हो जाती है। और हाँ अब बात हो ही रही है तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि स्काई स्कूल आने के लिए बस का यूज करती है। स्कूल आने के बाद जब ईटा स्काई को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है तो पहले तो स्काई का दिल नहीं कर रहा होता कि वो ईटा को रिप्लाई दे बट एनीवेज वो इसको आगे से गुड मॉर्निंग कहती है एंड इससे कहती है कि तुम आज बहुत स्लीपी लग रहे हो, जिस पर ईटा कहता है यस क्योंकि आज मैंने दो लोगों के लिए लंच रेडी किया था सो इसलिए मैं आज टायर्ड फील कर रहा हूं। अब क्योंकि ईटा ने ये बात स्काई की फ्रेंड प्रेजिडेंट के सामने कर दी थी तो स्काई ईटा को जोर से बुलाते हुए कहती है ईटा तुम एक इडियट हो। देन ईटा के इधर से जाने के बाद वो प्रेजिडेंट स्काई से पूछती है स्काई क्या तुम आज के दिन मॉर्निंग टाइम ईटा के साथ थी, तो इसका मतलब अब ईटा ने उस फोर क्लास वाली गर्ल्स के साथ ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर स्काई कहती है यस ऐसा ही समझ लो। देन वो प्रेजिडेंट कहती है अगर ऐसी बात है तब तो सब कुछ परफेक्ट हो गया है। ड्यूरिंग क्लास स्काई ईटा को लिखकर कहती है हमें कार्सुरा को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ईटा कहता है पर क्यों, जिस पर स्काई कहती है अगर तो हम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके बाद ब्रेक टाइम स्काई एंड ईटा कार्सुरा को सारी बात बताने के लिए जा रहे होते हैं। ईटा स्काई को रोकता भी है जिस पर स्काई कहती है हमें अभी कार्सुरा को बता देना चाहिए वरना कार्सुरा को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जब ये दोनों कार्सुरा के साथ बैठे इसके साथ लंच कर रहे होते हैं तो जस्ट समहाउ ये दोनों ही कार्सुरा को सच नहीं बता पाते। इसके बाद ड्यूरिंग क्लास ईटा को कार्सुरा की तरफ से मैसेज आता है जिसमें कार्सुरा ने ईटा को अपने साथ शॉपिंग के लिए इनवाइट करती है पर अब क्योंकि ईटा कार्सुरा में इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो कार्सुरा के साथ शॉपिंग करने के लिए इनकार कर देता है एंड कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता मेरी लिटिल सिस्टर आ रही है। लेकिन ये सिस्टर वाली बात एक झूठ होती है, वो कार्सुरा को इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि वो स्काई के साथ उसके घर जाना चाहता है। लेकिन जब ईटा एंड स्काई ये दोनों स्काई के घर के पास वाले ट्रेन स्टेशन पर उतरते हैं तो उधर पीछे से गुजरने वाली ट्रेन पर कार्सुरा बाय चांस इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है बट इवन अपनी आंखों से देखने के बाद भी वो खुद से झूठ बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता जरूर मुझे ही कोई गलत फहमी हुई होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कार्सुरा बाहर खड़ी ईटा का मैसेज देख रही होती है जिसमें इसने लिखा था कि तुम मेरे बगैर ही चले जाना, लेकिन फिर भी कार्सुरा गेट पर खड़ी होकर ईटा का वेट कर रही होती है। लेकिन जब ईटा इधर आता है तभी वो कार्सुरा को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं देता, इवन के ब्रेक टाइम भी इन तीनों के बीच काफी ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। स्कूल ओवर होने के बाद ईटा स्काई के पास आता है ताकि वो इसके साथ घर जा सके लेकिन इतनी देर में कार्सुरा का मैसेज आ जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि आज मैं कमेटी मीटिंग से जल्दी फ्री हो गई हूँ तुम कहाँ पर हो क्या हम दोनों एक साथ घर चलें। दूसरी तरफ नोटिफिकेशन का साउंड सुनकर स्काई को भी अंदाजा हो जाता है कि ये मैसेज कार्सुरा की तरफ से ही होगा सो इसीलिए वो ईटा से कहती है तुमको कार्सुरा के साथ जाना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक हमारे बारे में नहीं बताया वैसे भी कार्सुरा ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। अब स्काई से साफ साफ इनकार सुनकर वो डिसाइड करता है कि आज मैं कार्सुरा के साथ ही घर चला जाता हूँ। जब ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तभी एक शॉप के सामने खड़ा कोई इनको एक पेपर फ्लाई देता है जिसके अंदर सम काइंड ऑफ मोबाइल चेंजिंग ऑफर होती है। कार्सुरा कहती है क्या तुमको नहीं लगती कि ये एक अच्छी ऑफर है, लेकिन ईटा इस ऑफर पर कुछ हद तक एग्री नहीं होता, जिस पर कार्सुरा कहती है ईटा मैं तुमको ये मोबाइल गिफ्ट में दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही सेम डिवाइस यूज करो जो मैं करूंगी। एंड ये सुनकर ईटा कहता है इट्स ओके, लेकिन अगर तुम इतना सब कुछ मेरे लिए करोगी तो मुझे काफी बुरा लगेगा। एंड ये कहते ही वो इधर से चलना शुरू कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि घर पर पड़ी हुई स्काई बार बार ईटा की तरफ से आए हुए मैसेज देख रही होती है जबकि कार्सुरा बार बार ईटा को कॉल कर रही होती है बट घर पर पड़ा हुआ ईटा जानबूझकर कार्सुरा की कॉल ही नहीं उठा रहा होता क्योंकि एट दिस मोमेंट वो कार्सुरा में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि इसके सारे डिजायर तो स्काई पूरा कर
रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कार्सा की क्लास में मौजूद कमेटी मीटिंग वाली गर्ल्स में से एक गर्ल जिसका नाम ओटोमी है, टर्न आउट उसको ईटा पर क्रश होता है। जब कार्सा को इस बात का पता चलता है तो वो एकदम से ही कार्सा की होल पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो फुल एंग्री मूड में ओटोमी से कहती है, ईटो ने मुझे कन्फेस किया है और अब हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको लाइक करती हो तो तुम किसी तरह मुझे पीछे छोड़ते हुए उसके पास चली जाओगी। इन शॉर्ट कार्सा शरेआम अपनी होल क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं ईटा की गर्लफ्रेंड हूँ, तो सभी गर्ल्स कम से कम ईटा से दूर रहें। एंड देन वो ईटा को मैसेज करती है कि आज मैं लंच के लिए नहीं आ सकती, मैं कमेटी मीटिंग में बिजी होंगी। ईटा डायरेक्टली वो मैसेज सिकाई को फॉरवर्ड कर देता है एंड देन इसका हाथ पकड़ते हुए इसको अपने साथ लेकर जा रहा होता है। देन ये दोनों उसी रूफ टॉप पर आ जाते हैं। मीनवाइल कार्सा से भी पेशेंट नहीं हो पा रहा होता, इसलिए वो अपना लंच उठाती है एंड सीधा ईटा की क्लासरूम में आ जाती है। इवन के इसने मैसेज भी किया था कि मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती, बट फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती एंड ईटा को ढूंढते ढूंढते उसी रूफ पर आ जाती है। एंड इससे पहले कि वो डोर ओपन करती, कार्सा को ईटा की आवाज सुनती है जो कि कह रहा होता है सिकाई आई लव यू। ये सुनने के बाद कार्सा उस डोर के पीछे ही खड़ी रहती है एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। सो गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड का नाम होने वाला है फेस्टिवल ईव। आई जस्ट मीन आप लोग उसको भी चेकआउट कर लेना।